आज मैं आपकी का इंट्रोडक्शन एक ऐसी मिट्टी से कराती हूँ जिससे गांव वगैरह में चूल्हा बनता है, और इससे जो चूल्हे को पोता जाता है वो यही मिट्टी या यही क्ले होती है, और इसी क्ले से जो है मिट्टी के बर्तन जो क्ले पॉट्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, और भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह जो बनती हैं वो सब इसी मिट्टी से बनती हैं। और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी जो है मतलब जो नॉर्मल जो पूरे साल यूज़ हो रही है वो मिट्टी तो चूल्हा बनाने के और चूल्हा पोतने के काम आती है, तो इसको हम पोतनी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये काफ़ी चिकनी होती है इसीलिए मतलब ये चूल्हा बनाने के या चूल्हा पोतने के काम आती है। तो देखिए हम आपको ये भी बताएंगे आज बताएंगे कि इस मिट्टी से बने हुए क्ले पॉट्स गणेश लक्ष्मी कैसे होते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मेरा नंबर 8577032004। ये अच्छी मिट्टी है ये। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक मूर्ति बनाने वाले की दुकान पे जो क्ले पॉट्स भी बनाते हैं मूर्तियाँ भी बनाते हैं, तो उन्होंने ही एक्चुअली मुझे ये मिट्टी दिखाई है, और ये मिट्टी मैं वहाँ से ही थोड़ी सी लेके आई हूँ कि इससे देखिए कैसे क्ले पॉट्स और मूर्तियाँ बनती हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं, जो मैं अभी मैंने मिट्टी आपको दिखाई है वो इसी मिट्टी से बनी हुई है। ये देखिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, ये देखिए मिट्टी सनी रखी, ये देखिए उनके हाथ पैर वगैरह हैं ये, और ये जो छोटे छोटे मटके शेप के बने हुए हैं ये भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, और ये देखिए ये दिए बने हुए हैं दीपावली के लिए ही, ये भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं दिए ये बने हुए हैं। और ये देखिए ये जो है इसमें बहुत सारे दिए एक साथ होते हैं, इसको गुजरिया या कुछ इस तरह से ही इन्होंने मुझे नाम बताया है, इसमें बहुत सारे दिए एक साथ जलते हैं। तो ये देखिए ये आपका गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं जो हमारी उसी येलो क्ले से बनी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मिट्टी सनी हुई भी रखी है इनके पास, ये देखिए इसी मिट्टी से इन्होंने सब कुछ बनाया है, जो मिट्टी मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी वही है ये। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।